वहीं केरल में बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद के लिए छत्तीसगढ़ सरकार आगे आ गई है। सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भेजी जा रही है। इसी कड़ी में चावल एक रैक केरल रवाना किया गया है। एफसीआई गोदाम कांपा से खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहले, कृषि मंत्री बृज मोहन अग्रवाल, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। रवाना किए गए चावल की कीमत 7.5 करोड़ रुपए है। चावल से भरी माल गाड़ी 4 दिन में 2100 किलोमीटर का सफर तय कर केरल पहुंच जाएगी और उसके बाद त्रिवेंद्रम के पास काराकुचम में चावल उतरेगा। रेलवे की तरफ से इसका 63 लाख का भाड़ा भी माफ किया गया है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक आवेदन ये किया, वहाँ के मुख्यमंत्री जी से चर्चा के बाद जो उन्हें सर्वाधिक जरूरत होती है ऐसे समय में फीडिंग की, तो उस फीडिंग के लिए जो जरूरत है उस चावल को अभी हम लोगों ने भेजा है। 10 करोड़ की कुल राशि देने की बात है, 7.5 करोड़ का ये है। पहला राज्य है जो काइंड के रूप में और केरल की इस भयानक आपदा में सहायता के रूप में चावल भेज रहा है। लगभग 2500 मेट्रिक टन चावल जो 7.5 करोड़ का होगा और बाकी 2.5 करोड़ रुपए कैश के रूप में, चेक के रूप में वहां भेजे जाएंगे। ये हमने ऑलरेडी जो इंटरमीडिएट स्टेशन हैं उनको इत्तला कर दिया है। मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन में ये रेक वहां पहुंच जाएगी। वहां के जो वाणिज्य अधिकारी हैं उनको भी हमने सूचना दे दी है और वो भी इस रेत को खाली करने के लिए और फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। सरकार द्वारा आज केरल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए चावल भेजा गया। सरकार के 3 मंत्री पुन्नूलाल मोहले, प्रेम प्रकाश पांडे और बृज मोहन अग्रवाल ने चावल से भरी मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर केरल के लिए रवाना किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने हरी झंडी दिखाए जाने पर आपत्ति जाहिर की है, जिसके बाद मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे और बृज मोहन अग्रवाल ने उन पर पलटवार किया है। मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा है कि उन्हें तो कुछ करना नहीं है, वे आपत्ति अभी भी जता रहे हैं और आने वाले कई वर्षों तक आपत्ति जताने लायक बने रहेंगे। अब ऐसा है कि उनका काम सियासत करना है और हमारा काम करना है, जो संकट के समय लोगों की सहायता करना है। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करते रहे। दिख रहा होगा क्योंकि वो महाराजा हैं, महाराजा को तो दर्द होगा नहीं। उनके यहाँ तो कोई आपदा भी आए तो क्या है, उनके लिए तो भंडार कई महाराजाओं का खुल जाएगा। लेकिन वहां बहुत से जो करोड़ों जो गरीब लोग हैं जिनको आज इस विपत्ति में जरूरत है और उसको मानसिक तौर पर भी कि केरल की जनता को यह एहसास हो कि छत्तीसगढ़ की जनता आपके इस विपत्ति में खड़ी है, सरकार खड़ी है, इस बात का एहसास दिलाने के लिए हम लोग यहाँ